स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित स्मृति नगर में एक बार पुनः होने वाले चुनाव में नव निर्माण पैनल पूर्व में किए गए कार्यों को लेकर सभी सदस्यों के घर घर जाकर प्रचार कर रहा है, जिसके अंतिम दिन नगर निगम के महापौर नीरज पाल नव निर्माण पैनल के लिए समर्थन मांगने पहुंचे। स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित का चुनाव काफी संघर्षपूर्ण नजर आ रहा है, जिसे देखते हुए चुनाव में अपना भाग्य आजमाने दोनों ही पैनल के प्रत्याशी प्रचार में अपना दमखम लगा रहे हैं। इसी कड़ी में नव निर्माण पैनल के प्रचार के अंतिम दिन नगरपालिक निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल नव निर्माण पैनल के लिए स्मृति नगर वासियों से समर्थन मांगने पहुंचे, क्योंकि नव निर्माण पैनल के अध्यक्ष राजीव चौबे के परम मित्रों में से एक माने जाने वाले महापौर नीरज पाल अपनी कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं और ऐसी ही कार्यशैली राजीव चौबे जी की बताई जाती है। महापौर नीरज पाल के आग्रह को स्मृति नगर वासियों ने सहर्ष स्वीकार किया और उन्हें आश्वस्त किया कि जीत नव निर्माण पैनल की ही होगी। चर्चा के दौरान महापौर नीरज पाल और MIC सदस्य संदीप निरंकारी ने नव निर्माण पैनल के अध्यक्ष राजीव चौबे के कार्यशैली की और उनके व्यक्तित्व की जमकर सराहना की और कहा कि स्मृति नगर में अब तक जो भी विकास कार्य हुए हैं वह सिर्फ राजीव चौबे के कुशल कार्यशैली का ही नतीजा है। चुनाव के लेकर राजीव चौबे ने विपक्षी सहयोग पैनल के 3 पदाधिकारियों के बारे में चौंका देने वाली जानकारी दी। यह 3 पदाधिकारियों की मेंबरशिप निरस्त कर दी गई है, जिसके बाद भी यह तीनों प्रत्याशी के तौर पर सहयोग पैनल की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। इन तीनों की सदस्यता अब कानूनी दावपेच में उलझ गई है। एक बार स्मृति नगर गृह निर्माण मंडल का फिर से चुनाव होने जा रहा है और राजीव चौबे जी अपने पैनल के साथ उतरे हुए, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में और जो स्मृति नगर का जो विकास है अब तक जो हुआ है उसके बारे में? देखिए, ऐसा है कि 2 बातें, एक तो चुनाव है, चुनाव ये कोई ऐसा चुनाव नहीं है, ये एक सोसाइटी का एक पर्टिकुलर किसी क्षेत्र का चुनाव है। ये कोई ऐसा चुनाव नहीं है कि इसमें कोई राजनीतिक दल या राजनीतिक कोई व्यक्ति की बात हो। पर्सनली राजीव चौबे जी को मैं पिछले लगभग 30-32 सालों से जानता हूँ और उनकी क्षमता को भी मैं जानता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि अगर इस क्षेत्र के लोगों को अपनी सोसाइटी में डेवलपमेंट को लेके उनके पर्सनल कोई जो ऐसा होता है कि किसी को हम अपने क्षेत्र से अपने मोहल्ले से जब चुनते हैं तो ऐसे व्यक्ति को कोशिश करते हैं कि जो हर समय की आसानी से उपलब्ध हो, हर अच्छे बुरे समय में रह सके। मैं राजीव चौबे जी को पिछले 35 सालों से लगभग 32-35 सालों से जानता हूँ। उस मामले में मुझे कोई ऐसा नहीं लगता है कि इस क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति इतना जुझारू, इतना सक्रिय, हर मामले को चाहे वो लोकल स्तर पे हो या प्रदेश स्तर पे हो, जैसा क्योंकि मैं पिछले लंबे समय से नगर निगम में भी रहा हूँ, मुझे मालूम है कि राजू ने हमेशा जब जब स्मृति नगर की बात आई है, चाहे वो शासन से यहाँ की समस्याओं को लेकर पूर्ववर्ती सरकार में भी लड़ के उसने यहाँ के विकास के लिए जो बेहतर कर सकता था वो किया, जो फंड वगैरह की व्यवस्था करनी है जिससे इस कॉलोनी में डेवलपमेंट हो सके उसने किया। नगर निगम में भी जब जब कोई इशू ऐसा रहा जो नगर निगम से संबंधित इस कॉलोनी को लेके है तो उसने बड़ी बहुत जम से दम से उस बात को वहाँ रखा है, चाहे वो पानी की समस्या हो, सफाई की समस्या हो। अब इसमें ये ज़रूर है कि कुछ कमियाँ रहती हैं, वो हर बार रहती हैं उसको, क्योंकि अब यहाँ पे अगर राजीव चौबे को फिर से और उसके पैनल को मौका मिलता है तो निश्चित ही एक जो आजकल बात चल रही है हर फील्ड में, हर क्षेत्र में डबल इंजन, तो वो ये हम मान सकते हैं इस छोटी सी जगह में, क्योंकि ये सोसाइटी में अगर राजीव चौबे और उसका पैनल रहे और नगर निगम में इतने सालों का हमारा साथ है तो यहाँ की समस्याओं को हम लोग बड़े मुखरता से, प्रमुखता से उसको ये कर पाएगा, क्योंकि इसका काम मैं देखा हूँ। मतलब ये कह सकते हैं भैया कि 1 और 1 11 होकर के बिल्कुल क्षेत्र का विकास, बिल्कुल 1 और 1 11 नहीं, उससे शायद बढ़ के ही होगा। और इस पिछले करीब 1 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट बढ़ा के भेज, हाँ, तो वो लगातार इसके प्रयासों से, क्योंकि नगर निगम का मैंने जैसे बताया आपको, तो अभी भी इसने यहाँ की समस्याओं को वहाँ पर रखा, जो हम लोग नगर निगम के माध्यम से कर सकते हैं और भी जो बातें हो सकती है उसको हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि यहां का बेहतर
प्रतिनिधित्व ये दे सकता है। चंद शब्दों में एक अपील, मेरी इस स्मृति नगर सोसाइटी, गृह निर्माण सोसाइटी के सभी निवासियों से, सभी सदस्यों से अपील है कि वो राजीव चौबे और उसके पैनल को पूरा सहयोग दें, और वो अगर जीत के आते हैं तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में अच्छा विकास होगा और यहाँ की स्थिति और बेहतर होगी। बताएंगे, प्रचार का आज आखिरी दिन है, चुनाव है, किस तरह से समर्थन मिल रहा है? समर्थन बहुत अच्छा है हमारे पीछे, पिछले कामों को देखकर स्मृति नगर के लोग, मैं जहाँ भी जिस घर में भी जाता हूँ अधिकतर लोग बोलते हैं कि आप क्यों आ गए, आपको तो आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो इस तरह से पारिवारिक संबंध है मेरा लोगों से, हर दुख सुख में हम एक दूसरे का साथ देते रहे। विचित्रता सिर्फ एक देखने मिली है इस चुनाव में कि जो विरोधी पक्ष है वो प्रचार कम और दुष्प्रचार ज़्यादा कर रहा है। इस हद तक जाकर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप और वो भी छुप कर, और सबसे बड़ा दुखद पहलू ये है कि पिछले 5 दिनों से हम और हमारे स्मृति नगर के सामान्य जो जागरूक नागरिक है वो ये चाह रहे थे कि दोनों पक्ष सामने सामने बैठे और जो भी आरोप लगाना है वो सामने लगाया जाए। चूंकि हम 15 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं स्मृति नगर की जनता का, तो जो भी आरोप मेरे ऊपर हो, और मैं भी ये चाहता था, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सत्ता पक्ष है वो आरोपों का सामना करना चाह रहा है और जो आरोप लगाने वाले वो पीछे पीछे भाग रहे हैं, सामने आने के लिए मुंह छुपा रहे हैं और पीठ पीछे आरोप लगा रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा करके वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। स्मृति नगर की जनता का अपार स्नेह, आशीष और समर्थन मुझे मिल रहा है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या वजह है कि आज नीरज पाल जी आपके साथ आए हुए और आपका? नीरज पाल जी मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, बचपन के दोस्त हैं, हम लोग एक साथ, हमने बदमाशी चालू की, हम एक साथ सार्वजनिक जीवन में आए। एक नीरज पाल जब सिविक सेंटर ऑर्केस्ट्रा कराते थे, हम लोग एक टीम थी। आज 1986-87 से हम लोग एक साथ हैं, तो सिर्फ मेरी मित्रता के कारण आए, क्योंकि उनका सहयोग स्मृति नगर के लिए हमेशा रहा है। महापौर नहीं रहते हुए भी जब इसके पूर्व कार्यकाल में नीरज जब MIC में थे तो स्मृति नगर की सड़कों के लिए, स्मृति नगर के पानी के लिए, हर समस्या के लिए नीरज ने आगे बढ़ के दोस्ती निभाई है, मेरा साथ दिया है, आज फिर वो दोस्ती निभाने आया। चुनाव का समय, तारीख, स्थान बता दीजिए। चुनाव 11 दिसंबर 2022, स्थान मंगल भवन, और प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक है। सभी से अपील करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आए और सिर्फ योग्यता के आधार पर मतदान करें। सिर्फ सबसे अच्छा जो योग्य प्रत्याशी दिखता है स्मृति नगर की जनता, उनका उसके लिए मतदान करें। देखिए, स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित ने अपने स्मृति नगर के 35 ऐसे सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी थी जो आवासीय भूखंडों का व्यावसायिक उपयोग कर रहे थे। जब मतदाता सूची का प्रथम प्रकाशन हुआ तो इनका नाम उसमें नहीं था, तो इसकी आपत्ति इन्होंने की, दावा आपत्ति खारिज कर दी गई। उसके बाद इन्होंने उपपंजक के पास दावा आपत्ति की, वो भी खारिज कर दी गई, और उसके बाद निर्वाचन कार्यक्रम जारी हो गया। निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के बाद उसको रोका नहीं जा सकता था, फिर भी ये आयुक्त, निर्वाचन आयोग के आयुक्त के पास गए, वहाँ उन्होंने शिकायत की। उस इनकी शिकायत के आधार पर निर्वाचन आयोग के आयुक्त ने निर्वाचन कार्यक्रम को रोक दिया था 28/11 को। मैं उसके विरुद्ध में उच्च न्यायालय गया, माननीय उच्च न्यायालय ने उस रोक को हटाते हुए, चूंकि 4 तारीख से नामांकन होने थे और 3 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि पुरानी मतदाता सूची के आधार पर चुनाव करवाए जाए, लेकिन जिन सदस्यों की हमने सदस्यता समाप्त की है वो उस आदेश के खिलाफ संयुक्त पंजीयक के न्यायालय में अपील में गए हुए हैं। तो उस उच्च न्यायालय ने लिखा है कि यदि संयुक्त पंजीयक के न्यायालय में इनकी अपील खारिज हो जाती है तो इनकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। अब पेच ऐसी फंसी है कि उन 35 सदस्यों में से 3 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से एक सुरेश अग्रवाल है, एक मनोज अग्रवाल है और एक श्रीमती संध्या अग्रवाल है। ये तीनों ऐसे सदस्य हैं जिनकी सदस्यता संदिग्ध है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार यदि कल को उनकी याचिका खारिज होती है न्यायालय संयुक्त पंजीयक में तो उनकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में यदि अगर चुन के भी आ जाते हैं तो भी ये बर्खास्त होंगे। तो जब इनकी सदस्यता ही संदिग्ध है तो ऐसे समय में चुनाव लड़के लोगों का वोट खराब करके, समय खराब करके ये करना क्या चाहते हैं? सैद्धांतिक रूप से चूंकि इनकी सदस्यता संदिग्ध है, इनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। हाँ, ये तय बात है कि यदि चुनाव लड़ते भी हैं, जीतते भी हैं, हारते जो भी हैं, चुनाव के बाद जो न्यायालय का निर्णय होगा
संयुक्त संचालक का, उसके अनुसार यदि उनकी याचिका खारिज हुई तो ये बर्खास्त हो जाएंगे। अतः ऐसे संदिग्ध प्रत्याशियों को वोट दिया जाना वोट की बर्बादी होगी। स्मृति नगर सोसाइटी में जो चुनाव हो रहा है, पिछले 15 वर्षों से जो हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि राजू बहुत पुराना परिचित है, अच्छा मित्र भी है, एक अच्छी कॉलोनी को जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, चाहे वो अच्छे गार्डन हों, चाहे अच्छी रोडें हों, चाहे अच्छे पानी की व्यवस्था हो, या पर्सनल कोई भी नामांतरण का काम हो, या प्लॉट से संबंधित कोई भी काम हो, तो उसको राजू चौबे बहुत ईमानदारी से करता है। हम उसके जुझारूपन के कायल हैं और वो जिस शिद्दत से एक कॉलोनी को एक बेहतर कॉलोनी बनाने के लिए लगे रहता है, उस भावना को देखते हुए कि इस कॉलोनी का आगे और भी विकास हो, और भी डेवलपमेंट हो, और स्मृति नगर एक बहुत अच्छी कॉलोनी के रूप में आज भी अच्छी कॉलोनी और इससे बेहतर कॉलोनी बन सके, इसलिए हमें लगा कि हमें राजू चौबे जी का समर्थन करना चाहिए। और हम उनका समर्थन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी कॉलोनियां हमने देखी हैं जहां पे उतने बेहतर ढंग से विकास नहीं हो पाया, लेकिन राजू चौबे जी के हाथ में जब से ये कॉलोनी की बागडोर आई है, यहां पे बहुत अच्छा काम हुआ है। हर चीज़ आप देखेंगे कि व्यवस्थित रूप से रोडें हैं, व्यवस्थित रूप से गार्डन है, कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं तो बहुत आध्यात्मिकतापूर्ण होते हैं और बहुत अच्छे से होते हैं, कॉलोनी को पूरा ले कर चलते हैं, सबके साथ उनके पारिवारिक संबंध बना के चलते हैं और उनके सुख दुख में कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। ये तो हमने अपने लिए भी महसूस किया है और कॉलोनी वासियों के लिए भी महसूस किया है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो और बेहतर कर पाए और जनता को और सुविधा दे पाए और जनता को अपना भाई बेटा बन के वो काम करते रहा और आगे करता रहा, इसलिए उसके समर्थन में हम लोग यहाँ पे वैशाली स्मृति नगर की जनता से अपील करने आए। फिलहाल नव निर्माण पैनल के सघन जनसंपर्क से और उन्हें मिल रहे आशीर्वाद, प्यार और दुलार को देख कर यह कहा जा सकता है कि एक बार पुनः राजीव चौबे के नेतृत्व में नवनिर्माण पैनल बहुमत से जीत कर आएगी और स्मृति नगर क्षेत्र का विकास इसी तरह अनवरत चलता रहेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।